देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे केस में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यूज है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस पाई अपॉन टू से लेके जीरो, बट जीरो इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन जीरो से लेके अगेन पाई अपॉन टू, यहां पे भी जीरो इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट केस है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। अब इस माइनस रूट टू के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस 45। तो कॉसेक माइनस 45 माइनस कॉसेक 45 मीन्स माइनस रूट टू आ जाएगा, तो इसके प्लेस पे ये लिख दिए। अब माइनस 45 क्या इस रेंज में है, माइनस 90 to 90? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहां से कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, थीटा मिल जाएगा मीन्स माइनस पाई अपॉन 4, ये हमारा आंसर बन गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस 2। अब इस माइनस 2 के प्लेस पे लिखा जा सकता है कॉसेक माइनस 30। कॉसेक माइनस 30 माइनस कॉसेक 30 मीन्स माइनस 2। यहां से अब इस माइनस 30 को हमें चेक करना है क्या ये इस रेंज में है, तो बिल्कुल है, माइनस 90 to 90 की रेंज में है। तो यहां से हमें कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, अगेन थीटा मिल गया मीन्स माइनस पाई अपॉन 6। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इनवर्स 2 upon root 3। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉसेक 60। कॉसेक 60 हमारा 2 upon root 3 होता है। तो देखिए यहां से पाई अपॉन 3 60 माइनस 90 to 90 के रेंज में है, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा यहां से पाई अपॉन 3, ये आंसर बन गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 cos 2π/3, इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 3π - π 2π/3 बन जाएगा ये। और देखिए पाई माइनस थीटा मीन्स हम लोग आ रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है ये हमारा नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई अपॉन 3। तो कॉसेक इनवर्स 2 और इस पूरे के प्लेस पे आ जाएगा माइनस कॉस पाई अपॉन 3, इतना क्लियर। यहां से मिल गया कॉसेक इनवर्स 2 और माइनस कॉस 60, तो माइनस ऑफ ये 2 कैंसिल, कॉसेक इनवर्स माइनस 1 आ गया। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस 90, तो कॉसेक माइनस 90 माइनस कॉसेक 90 एंड माइनस 1। अब ये जो माइनस 90 है ये इस रेंज में आ रहा है क्योंकि ये माइनस 90 इंक्लूड है, तो यहां से हमें मिल गया आंसर माइनस पाई अपॉन 2। क्लियर। ये सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स √3/2। हम जानते हैं डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिए यहां पे दिया हुआ है √3/2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.86। अब यहां पे दिस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 और दिस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 1 मीन्स माइनस 0.999999 से लेके प्लस 0.999999 तक इनकी वैल्यूज, तो कॉसेक इनवर्स एक्स ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इस पे कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होगा। हमें सारे सेट ऑफ वैल्यूज निकालने थे इसके, जो कि होगा 5। क्लियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यूज पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां पे आपका साइन इनवर्स माइनस √3/2, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं साइन माइनस 60, तो माइनस साइन 60 मीन्स माइनस √3/2 प्लस कॉसेक इनवर्स इस माइनस 2/√3 के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉसेक माइनस 60 माइनस कॉसेक 60 मीन्स माइनस 2/√3। अब साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई अपॉन 2 से लेके प्लस पाई अपॉन 2, कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज होती है माइनस पाई अपॉन 2 से
जीरो, बट जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से लेके प्लस पाई अपॉन टू। अब यह है माइनस सिक्सटी, माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी की रेंज में है, तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस पाई अपॉन थ्री। माइनस सिक्सटी माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी की रेंज में है, तो यहाँ से भी हमें मिल गया माइनस पाई अपॉन थ्री। माइनस पाई माइनस पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री, ये आंसर बन गया। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है sec इनवर्स रूट टू, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं sec 45, देन टू cosec इनवर्स माइनस रूट टू। माइनस रूट टू के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cosec माइनस 45। इतना क्लियर। अब sec इनवर्स x का जो रेंज है ये होता है हमारा जीरो से लेके पाई अपॉन टू, यूनियन पाई अपॉन टू से लेके पाई, पाई अपॉन टू इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए ये जो 45 है ये 0 टू 180 के रेंज में है, तो यहाँ से हमें मिल गया पाई अपॉन फोर, और माइनस 45 इस रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से मिल गया 2 इंटू माइनस पाई अपॉन फोर। तो देखिए पाई माइनस टू पाई माइनस पाई अपॉन फोर, ये आंसर बन गया। क्लियर। देखिए थर्ड का थर्ड है साइन इनवर्स कॉस टू कॉसेक इनवर्स माइनस टू, तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन इनवर्स कॉस टू कॉसेक इनवर्स, इस माइनस टू के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थर्टी। इतना क्लियर। यहां से आ गया साइन इनवर्स कॉस। नाउ ये जो माइनस थर्टी है ये माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी के रेंज में है, तो यहां से मिल गया माइनस पाई अपॉन सिक्स। ये बन गया साइन इनवर्स कॉस, ये थ्री टाइम्स में कैंसिल, कॉस माइनस सिक्सटी, तो कॉस सिक्सटी, और कॉस सिक्सटी होता है हमारा वन अपॉन टू। इतना क्लियर। तो इस पूरे के प्लेस पे आ गया वन अपॉन टू, क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। नाउ यहां से साइन इनवर्स इस वन अपॉन टू के प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन थर्टी, और ये जो थर्टी है माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी के रेंज में है, तो यहां से मिल गया पाई अपॉन सिक्स, ये आंसर बन गया। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी फोर्थ है, कॉसेक इनवर्स टू टेन। अब यह इलेवन पाई अपॉन सिक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू पाई माइनस पाई अपॉन सिक्स, ट्वेल्व पाई माइनस पाई इलेवन पाई अपॉन सिक्स आ गया। नाउ टू पाई माइनस थीटा, ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहां पे टेन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स यहां पे टू, और इस पूरे के प्लेस पे आ जाएगा माइनस टेन पाई अपॉन सिक्स, तो कॉसेक इनवर्स माइनस टू, और इसके प्लेस पे आ गया टेन थर्टी मीन्स वन अपॉन रूट थ्री। यहां पे हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस टू अपॉन रूट थ्री, तो इसको लिखा जा सकता है कॉसेक माइनस सिक्सटी, और ये जो माइनस सिक्सटी है ये माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी के रेंज में है, तो यहां से मिल गया माइनस पाई अपॉन थ्री। तो यहाँ पे जो फिफ्थ एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हमारा समाप्त हुआ है, एंड आई होप कि अच्छे से क्लियर हो। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।